16, मैं हमेशा पढ़ता आ रहा हूँ एंड नाउ ऑन द कवर ऑफ डॉग्स एंड मोफ मेक्स मी फील वेरी वेरी स्पेशल. थैंक यू फरजाना मैम फॉर दिस ऑनर, इट जस्ट फील्स वंडरफुल. इट्स आवर प्लेजर. ये इंडिया की प्रीमियम पेट मैगजीन है एंड आई एम सो ऑनर्ड दैट आई एम अ कवर ऑफ दिस मैगजीन. मैम ने मुझे बताया था इसके बारे में एंड आई थॉट वॉज वेरी स्पेशल बिकॉज हमेशा कवर पे अकेले रहना या किसी डांस के पोज में रहना रहने से यहाँ पर विद ज़ोरबा आई थिंक इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. इट्स द मोस्ट स्पेशल कवर फॉर मी. जितने कवर मेरे पास है इसमें आई थिंक दिस गोइंग टू बी द मोस्ट स्पेशल. थैंक यू. थैंक यू. एंड मैंने बहुत सारे कवर शूट किए. आई एम अ फोटोग्राफर तो मैंने बहुत सारे कवर शूट किए लेकिन ज़ोरबा वॉज अ लिटिल डार्लिंग. उसको जो बोलो वो करती है. वेरी स्वीट. सो इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस शूटिंग बोथ ऑफ देम. यस. क्यों नहीं. ही इज फेमस. ही इज अ लवली ह्यूमन बींग. ही इज गॉट अ लवली डॉग. ही इज अ डांसर. इट्स फर्स्ट टाइम आई शॉट अ डांसर एंड अ डॉग एंड वो मेरे लिए डांस भी किए थे डॉग के साथ. तो संदीप इतने अच्छे इंसान है एंड जो भी इंसान एक एनिमल को इतनी अहमियत देता है ही इज डेफिनेटली अ नाइस ह्यूमन बींग. तो संदीप थैंक यू. थैंक यू. नहीं ये इतनी स्वीट है. इसका एक्सपीरियंस शूटिंग करने में इतना अच्छा था कि इट वॉज अ ड्रीम शूट. बस हम लोग बोले यहाँ बैठो वहाँ करो. शी वॉज लाइक वेरी कूल. वेल थोड़ा नर्वस था कि पहली बार मैं कुछ शूट करा था विद ज़ोरबा बट शी वॉज सो नाइस. आई एम सरप्राइज एंड शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. आई एम जेलस. दे मेक अ गुड पेयर. Well, I think stress buster नहीं. I think they are more like family, they are more like friend, they are part of my life. जैसा मेरा बेटा है वैसी मेरी ज़ोरबा है एंड आई थिंक मैं इनको स्ट्रेस बस्टर के तौर पर नहीं लेता हूँ ना इधर पेट के तौर पर लेता हूँ. आई टेक दैम एज माई फैमिली मेम्बर एंड दैट्स वॉट शी इज़ फॉर मी. दैट्स वेरी ट्रू. वेरी वेरी ट्रू. आई मीन ये जब आपके साथ एक लिटल डॉग एक हफ्ता घर आ जाता है आपको पता होता है कि ये डॉग नहीं है. हम लोग डॉग बोलते भी नहीं हैं. वी कॉल देम आर बेबी आर डॉटर आर सन. दे कॉल अस मम्मा पापा. तो इट्स अ फैमिली रियली. मैम डॉग्स एंड मोर के बारे में और क्या कहना चाहेंगी. डॉग्स एंड मोर तो डॉग्स के बारे में है और दूसरे जानवर के बारे में थोड़ा हम लिखते हैं. जब हमने ये स्टार्ट किए थे 8 साल पहले तो हमारी इच्छा ये थी कि बम्बई के जो लोग हैं ज़रा और डॉग फ्रेंडली हो जाए. आजकल आप लोग पढ़ते होंगे कितने इंसिडेंट्स होते हैं. अभी कल ही परसों ही कलकत्ता में एक हॉस्पिटल में कुछ औरतें पपीज़ को कुछ 12 पपीज़ को मारे. तो वी वांटेड टू चेंज दैट होल आउटलुक कि लुक दे आर नॉट जस्ट एनिमल्स. दे आर लाइक ह्यूमन बींग्स. दे हैव अ लाइफ. तो वो पर्पस था हमारा डॉग मैगजीन स्टार्ट करने के लिए. तो और लोग अपने बच्चे लोग के लिए डॉग्स लाए घर में उनको समझिए और वो हमारी ज़िंदगी कैसे बदलते वो देखिए. यू नो व्हेन यू हैव अ डॉग इन योर लाइफ you become a better human being. You become softer, you become more understanding, you just change. They change you. Their eyes, the way they love you, unconditional love bolte hain. Unko kuch nahi chahiye, thoda pyar chahiye, thoda khana chahiye, kuch nahi. And then you realize unke values kitne acche systems hain. Yeah. Thank you. Aap aur zimmedar ho jate hain because I am not alone in my house. Ab mereko lagta hai main अपने से ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा सोचता हूँ. कहीं भी जाना है मेरे लिए घर पे खाना बना हो या नहीं. आई एम मोर कंसर्न अबाउट रियो का खाना बना है रियो सो गया है या मैं ट्रैवल भी करता हूँ. आई थिंक सो. आई कीप कॉलिंग माय डोमेस्टिक हेल्प रियो का है ठीक है. सो आई थिंक सो इट्स जस्ट लाइक हैविंग अ किड ऑफ योर ओन एंड यू बिकम टू रिस्पॉन्सिबल. साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा मेरी साइकोलॉजी पे फ़र्क नहीं पड़ा. आई थिंक सो दे गेट यू मोर हैप्पीनेस. मेरे को अब अगर मेरे को कोई डिप्रेशन भी अगर या मैं सोचने वाले भी जोन में होता हूँ ना कि मेरे को क्या है ये मेरा ध्यान जाने नहीं देता. सो आई थिंक सो यस दे जस्ट कीप यू हैप्पी ऑल द टाइम एंड बिजी समथिंग और दी अदर. थैंक यू सर. मेरे घर के इतने पास ऐसी स्टोर है जहाँ पर सब कुछ मिले इन बच्चों के लिए. तो आए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है. और मेरे तो 4 रही है तो अभी 1 आई है और 3 घर पे हैं तो वो भी आएंगे. यहाँ सलोन भी हैं तो बहुत पैम्परिंग होगा. आज वो दूसरे सलोन में घूम के आई है. तो चेहरा बने क्या कहना चाहेंगे.
मेरा फ्रेंड बहुत ही हैंडसम लग रहा है और ज़ोरबा तो मतलब स्टार अट्रैक्शन है टोटली, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं दोनों। मुझे शाम में रखो मैंने, थैंक यू। ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम लोग ये पेट बैकग्राउंड से नहीं है बट बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर एनिमल्स वी स्टार्टेड दिस एक्सक्लूसिव पेट स्टोर। एक्चुअल ओपनिंग कल है तो वी आर रियली एक्साइटेड कि एनिमल्स के लिए भी कुछ हाई एंड डिज़ाइनर स्टफ होना चाहिए। अगर आप बम्बई में कोई भी स्टोर में जाएंगे तो आपको छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी जहाँ पे पेट्स अच्छी तरह से घूम भी नहीं सकते। वी हैव अ गार्डन, वी हैव ग्रूमिंग, वी हैव कस्टमाइज फर्नीचर, सो इट्स फैशन न्यूज फॉर पेट्स इन मुंबई। इनका शौक है पेट्स, वी हैव अ लॉट ऑफ पेट्स और बिकॉज पेट्स बोल नहीं सकते हैं तो ही ऑलवेज वर्क्स फॉर पेट्स, राइट? सो इट्स हिज ड्रीम दैट हैज कम ट्रू। क्या बताऊँ, व्हाई डू यू स्टार्ट द स्टोर? ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे पेट स्टोर में जाते हैं तो जगह नहीं होती है खड़ा रहने के लिए और फर्नीचर नहीं मिलता है, फार्मेसी नहीं होती है, दवाई नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलती है, तो ये सब हमने यहाँ पे किया है, फोटोग्राफी से लेके सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। ये ग्रूमिंग से लेके फूड, टॉयज, एक्सेसरीज, आपको एनिमल आर्ट मिलेगा, आपको फार्मेसी मिलेगी यहाँ पे, सब दवाई आपको मिलेगी। आगे चल के हमको 24/7 दवाई बेचनी है यहाँ पे, रात को भी डे एंड नाइट दवाई का करना है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी दवाई नहीं मिलती हमको अनलेस एंड अंटिल कोई वेट होगा साथ में। तो हम लोग अपनी खुद की फार्मेसी चालू करें ओनली फॉर पेट्स। स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी हम लोग करने वाले हैं लॉट ऑफ, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, डोनेशंस करते, कुछ ना कुछ नया नया कुछ करते रहेंगे उन लोग के लिए भी। नहीं, मैं ऐसे फैमिली में बॉर्न हुआ है, मैं स्टार्टिंग से हमारे घर में पेट्स थे तो हमारे पास बहुत सारे पेट्स हैं, फार्म है, घोड़े हैं, डॉग्स है, ईमूज है, तो पहले से सब पेट्स है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ चाहिए और मिलता ही नहीं है तो हमने वैसे चीज़ रखा है जो इधर नहीं मिलता। बहुत अच्छा। हमने सारे फ्रेंड्स को बोला है, वो खुद आए हैं यहाँ पे एंड मोस्ट ऑफ देम आर एनिमल लवर्स, तो उनकी इंस्टा स्टोरी से, आई थिंक राइट नाउ सोशल मीडिया इज द थिंग, पीपल डोंट हैव टाइम टू रीड मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, लेकिन इंस्टाग्राम आजकल हर रोज़ लोग देखते हैं, तो जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो जैसे कि मेरी फ्रेंड है रवीना टंडन, मनीषा कोयराला, दे ऑल सपोर्टिंग, टॉकिंग अबाउट आवर स्टोर, सो देर आर मोर फॉलोअर्स हु कम टू बिलीव दैट, एंड जब भी खुद लोग यहाँ आ रहे हैं उनको एक्सपीरियंस इतना अच्छा मिल रहा है तो दे देमसेल्फ्स आर कमिंग बैक, सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पब्लिसिटी इज़ वर्ड ऑफ माउथ। एब्सोल्युटली, जो अनकंडीशनल लव और लॉयल्टी हमें कोई भी पेट से मिलती है वो आई थिंक सबसे बड़ा ट्रेजर है, लेकिन हमने आज तक उनके बारे में सोचा नहीं है, लाइक यू नो कि ये जगह उनको बैठने के लिए मिले या कोई उनका अंदर जाए तो आप एनिमल्स को भी सेफली रखिए, ये USP है जो मेरे हस्बैंड ने सोची है एंड आई थिंक ही इज डन अ फैबुलस जॉब, ऑल द बेस्ट। यहाँ पे बैठने के लिए भी ग्रास लगाया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि एनिमल है तो आप खड़ा रखो उधर, अंदर आके आप ले लो, तो सारी चीज़ें हमने एनिमल्स के लिए सोची है एंड आई होप इट मेक्स अ डिफरेंस टू देम। मोर का कवर है, संदीप सोपारकर इज ऑन द कवर विद ज़ोरबा सोपारकर, सो आई थिंक इट्स रियली एक्साइटिंग टू सी देम ऑन द कवर। जस्ट वन प्रॉब्लम सिम्बा हैज, सिम्बा इज वेरी अपसेट विद रोहित शेट्टी एंड रणवीर सिंह फॉर नॉट टेकिंग हिज परमिशन बिफोर दे मेड द मूवी। मेरे सिम्बा का स्टाइल कॉपी किया है तो उसको रॉयल्टीज चाहिए, सो मेक श्योर दे फाइंड आउट दैट सिम्बा इज अपसेट। सिम्बा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो यू अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड डॉग्स, बट व्हेन यू आर वर्किंग यू डोंट हैव, यू स्टे, आई स्टे हियर अलोन विदाउट माय फैमिली एंड सिम्बा इज द ओनली फैमिली दैट आई हैव, सो व्हेन आई रीच होम एंड व्हेन आई सी सिम्बा देयर वेटिंग फॉर मी, सो इट्स द बेस्ट फीलिंग राइट टू सी देम वेटिंग टू हैव दैट बॉन्ड विद समबडी एंड देयर लव इज अनकंडीशनल, देर इज़ नो कंडीशन कि मेरे लिए ये करो, आप उनको खाना खिलाओ नहीं खिलाओ, घुमाने ले जाओ नहीं ले जाओ, दे स्टिल लव यू द वे दैट
they love you. So I think my bond with him is really nice, and he holds a very important place in my life. Madam का experience तो नहीं नहीं हो गया डिट्टो है ना डिट्टो. मेरे घर पर दो कुत्ते हैं. I will say it कुत्ते because they कुत्ते ही हैं. It's just that we treat them very well. और एक नियॉन है, एक शीरो है. शीरो यहाँ इज़ अ मिक्स ब्रीड ऑफ अ जर्मन शेफर्ड एंड अ डॉबरमैन. आप घर के अंदर नहीं आ सकते हैं जब वो घर में है, बट ही इज़ लिटिल साइलेंट आउटसाइड. मैं इसको यहाँ लेकर आ सकती हूँ. और नियॉन इज़ अ लैब. वो अभी यहाँ होता तो अब सब भाग रहे होते हैं यहाँ वहाँ. सो उसको आज मैं घर पर छोड़ कर आई हूँ. एंड जैसे कहते हैं ना, हमारे लिए बहुत दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत दुनिया है. एज एन वी सी एवरी वन, वो लोगों के लिए सिर्फ हम हैं. सो हम उसकी दुनिया हैं. सो जो जिनको भी, इफ़ यू वॉन्ट टू रियली नो अबाउट अ प्योर लव, हम बोलते हैं फैमिली होता है. यू नो, आई गॉट माई डॉटर हु इज 6 and a half. सो येस, दैट्स अ प्योर लव. बट उसके अलावा अगर आप किसी जानवर को अपने पास रखते हो, एक पेट रखते हो, एक कुत्ता रखते हो, देन यू रियलाइज कि ये है प्योर लव. सो इफ यू रियली वॉन्ट टू नो, यू नो, कीप देम. बट आई एम लिटल अपसेट अबाउट पीपल जो एक फैशन के लिए कुत्ता रखते हैं, एक फैशन के लिए ब्रीडिंग करवाते हैं, बेचते हैं, एंड देन दे डोंट ट्रीट देम वेल बिकॉज घर पे कोई होता नहीं. प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज ये वो बच्चे हैं जो कभी बड़े नहीं होते हैं. सो बी केयरफुल, यू नो, यू बेबीज बड़े हो जाते हैं, डॉग्स कभी बड़े नहीं होते. सो ट्रीट देम वेल, या जस्ट रिस्पेक्ट ऑल द बींग्स, यू नो. एंड आई वॉन्ट टू एड वन मोर थिंग. टुडे देयर इज अ ट्रेंड कि इतना ये पपी खरीदो, लाइक ये ब्रीड का कुत्ता खरीदो. इट्स मोर एक्सपेंसिव, सो इट्स मोर फैशनेबल. सो इट्स बिकम अ फैशन ट्रेंड विच शुडंट बी द केस. आई वुड, सिम्बा वॉज अ गिफ्ट टू मी. येस, ही इज़ अ वेरी नाइस ब्रीड, बट ही वॉज अ गिफ्ट टू मी. एंड इट डजेंट मैटर वेदर यू अडॉप्ट समबडी और रेस्क्यू. इट विल बी बेटर इफ यू, अब कितने सारे पपीज है रास्ते पे जिनको जरूरत है घरों की. इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 1 lakh रुपी टू बाय अ पपी, गो आउट देयर, अडॉप्ट अ डॉग, रेस्क्यू अ डॉग, एंड दे विल गिव यू द सेम अमाउंट ऑफ लव. How they look actually really. Actually, he is a rescued one. Yeah, her dog is a rescued dog. She was a rescued one, but and Neon is a gift again. So yeah. I was lucky with two. So yeah, don't shop, adopt is the slogan that everybody should, you know, buy. Don't make a business out of it. Khaleesi rescue hai, miniature pincher hai. मैं तीन dogs की माँ हूँ. I've been a creature mom. Magic Mambo मेरा पहला, और Khaleesi को एक breeder ने छोड़ दिया था. तो मेरे लिए एनिमल्स हमेशा पहले आते हैं. शी इज़ अ रेस्क्यू एंड यस, दिस इज़ हर फर्स्ट प्रेस डेब्यू. डॉक्टर्स ने कह दिया था कि Khaleesi जिएगी नहीं. सो व्हेन शी सर्वाइव्ड, आई डिसाइडेड टू नेम हर Khaleesi फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स, ड्रैगन मदर. और आज पता नहीं मेरी ड्रैगन मदर क्यों डरी हुई है इस बहुत लोगों को देख कर. थैंक यू.